नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा और हमेशा की तरह मैं लेकर आई हूं कुछ हटके। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे सच और झूठ का अनोखा मुकाबला। फैक्ट चेक में हम आपको दिखाएंगे सच वर्सेस झूठ की वायरल तस्वीरें, लेकिन हमारे शो में जीत हमेशा सच की होगी क्योंकि ये है फैक्ट चेक। और यहाँ हम आपको बताएंगे क्या है देश में वायरल वीडियोज और फोटोज का सच, वो सच जो सच में सच है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी के साथ वायरल होने लगी जिसमें एक पुल के नीचे सड़क पर एक बस और एक ऑटो लगभग पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ऐसा दिल्ली के मशहूर मिंटो रोड रेल ब्रिज के नीचे सड़क पर हुआ है। उमस भरी गर्मी में मानसून का इंतजार करते हुए दिल्ली NCR के लोगों को बारिश से हल्की राहत मिली है। दिल्ली में पिछले दिनों कई इलाकों में खूब झमाझम बारिश हुई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें पुल के नीचे सड़क पर एक बस और एक ऑटो रिक्शा पानी में लगभग डूबे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि अब इसी के साथ दिल्ली में मॉनसून के आने की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। एक ट्विटर यूजर ने इस तस्वीर के साथ लिखा, मिंटो ब्रिज पर DTC बस के पानी में डूबने की अनिवार्य घटना हो गई है। अब यह आधिकारिक तौर पर घोषित किया जा सकता है कि दिल्ली में मानसून आ गया है, हैप्पी मानसून। बता दें कि इस पोस्ट के साथ संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बारिश की वजह से जो जल जमाव हुआ है जिसमें ये बस और ऑटो रिक्शा डूब गए हैं। आपको बता दें कि फैक्ट चेक में ये पाया गया कि तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा आधा सच है, लेकिन इस बात का दावा बिल्कुल गलत है कि ये तस्वीर और इसके साथ किया जा रहा दावा 100% सही है। रिसर्च में इस बात का ये खुलासा तो हो ही गया कि ये तस्वीर दिल्ली की ही है, लेकिन तस्वीर अभी की नहीं बल्कि करीब एक साल पुरानी है। जब 19 जुलाई 2020 को दिल्ली के मिंटो रोड रेल ब्रिज के नीचे एक DTC बस और एक मिनी टेम्पो बारिश के जलजमाव में फंस गए थे। बता दें कि ये पोस्ट फेसबुक पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष वैशाली ने भी वायरल तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, अब आधिकारिक तौर पर मानसून दिल्ली में। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। वहीं एक ट्वीट के जवाब में उन्होंने ये जानकारी भी दी कि उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। ट्विटर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े एक वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट मिला जिसमें ये कहा गया कि फेक न्यूज का भंडाफोड़, ये मिंटो ब्रिज का जल जमाव पुरानी तस्वीर है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर फिलहाल पानी नहीं जमा है। वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें कई न्यूज रिपोर्ट्स मिले जिसमें ये तस्वीर मौजूद है। 19 जुलाई 2020 को पब्लिश हुई इन खबरों में बताया गया था कि जोरदार बारिश की वजह से दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे लगभग 8 से 10 फीट पानी भर गया था और इसमें एक DTC बस और एक ऑटो पानी में बुरी तरह से फंस गया था। वहीं सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने DTC बस चालक कंडक्टर को तो बचा लिया, लेकिन ऑटो चालक की डूबने से मौत हो गई थी। खबरों में यह भी बताया गया कि उस वक्त बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे हर साल बारिश में भारी जलजमाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बारिश में अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। नशे में धुत यूपी के पुलिस कर्मियों का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है जहां पुलिस खुलेआम शराब पी रही है। वीडियो के साथ किए जा रहे दावे में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा गया है कि योगी सरकार में यूपी की जनता गुंडों से नहीं बल्कि खाकी वर्दी वालों से ज्यादा डर रही है। सोशल मीडिया पर नशे में धुत इन पुलिस कर्मियों का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि इस वीडियो में पुलिस कर्मी को पुलिस की जीप पर बैठकर शराब का पैक बनाते हुए देखा जा सकता है। वहीं आप देख सकते हैं कि एक दूसरा जवान जो है जो जीप से सटकर खड़ा हुआ है और नशे में अपना हाथ लहराते हुए कुछ बोल रहा है। फैक्ट चेक में ये पाया गया कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है। जी हाँ, ये वीडियो उत्तर प्रदेश का ही है लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से ठीक पहले का है। बता दें कि इस वीडियो को ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करते हुए यूजर्स कैप्शन में लिख रहे हैं, योगी सरकार में यूपी की जनता गुंडों से नहीं खाकी वर्दी वालों से ज्यादा डर रही है। 100 नंबर पुलिस को देखो, शराब दिन दहाड़े खुलेआम पी रहे हैं। ये है इन पुलिस वालों की ड्यूटी। उत्तर प्रदेश जंगल राज, जय हिंद।
वीडियो को कीवर्ड सर्च की मदद से हमें इससे जुड़ी कुछ और भी खबरें मिली हैं, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि ये वीडियो यूपी के शामली का है, जहां टिचौली चौक के पास पुलिस के सिपाही खुलेआम डायल 100 गाड़ी के बोनट पर शराब रखकर पी रहे थे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे 11 मार्च को घोषित हुए थे और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 19 मार्च को ली थी, यानी कि वीडियो योगी के मुख्यमंत्री बनने के पहले का है और इसे योगी कार्यकाल की घटना नहीं कह सकते। यहां हमारी पड़ताल में यह साफ हो जाता है कि जिस वीडियो के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है वो उनके सीएम बनने के पहले का है। हालांकि योगी कार्यकाल में भी इस तरह के कुछ मामले खबरों में आ चुके हैं। राजस्थान के जालौर जिले के गांव बरेली में उल्कापिंड गिरने की खबर को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर खूब चर्चा हो रही है। लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, जिसमें ये लिखा है कि बिल्कुल सही न्यूज है, उल्कापिंड गिरा है। जी हां, स्क्रीनशॉट में ये भी लिखा गया है कि जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। हमारा रिपोर्टर फोटो भेज रहा है और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। लोग ये दलील दे रहे हैं कि जब मीडिया के लोगों ने इस खबर को सही ठहरा दिया है तो जरूर ये सच ही होगी। आपको बता दें कि कुछ लोग फेसबुक पर भी स्क्रीनशॉट को शेयर कर रहे हैं। साथ ही बता दें कि फैक्ट चेक में ये पाया गया कि राजस्थान के बोरली गांव में हाल फिलहाल में कोई उल्कापिंड नहीं गिरा है। पुलिस और प्रशासन ने बातचीत में इस बात की पुष्टि भी की है। पिछले साल जालौर के सांचौर शहर में आसमान से एक चीज गिरी थी, जिसे गांव के कुछ लोग उल्कापिंड बता रहे थे, तो वही कुछ लोग बम और जहाज का टूटा हुआ हिस्सा बता रहे थे। बता दें कि इस अफरा तफरी के बाद इसे प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था और अब एक बार फिर से इस साल जब जालौर के बरेली गांव में उल्कापिंड गिरने की खबर वायरल हुई है तो लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि आखिर जालौर में उल्कापिंड गिरना एक सिलसिला क्यों बन गया है। तो सबके जहन में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है सच्चाई इस उल्कापिंड के पीछे। दरअसल 9 जुलाई 2021 को जालौर राजस्थान के बोरली गांव और उसके आसपास के करीब 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि बोरली गांव में उल्कापिंड गिरा है, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो गया है। और जिन गांवों में धमाके की आवाज सुनाई दी थी वहां के कुछ लोगों ने बताया कि धमाके से ठीक पहले एक फाइटर जेट वहां से गुजरा था और ऐसा हो सकता है कि यह आवाज जेट की ही रही हो। हालांकि इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि वायरल स्क्रीनशॉट में यह लिखा है कि उल्कापिंड गिरने के बाद झाप थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी। फैक्ट चेक में अगली खबर अमूल दूध के मालिक आनंद सेठ की है। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अमूल दूध के मालिक आनंद सेठ ने गोवंश खाने वाले लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और इस दावे को सच मानते हुए लोग आनंद सेठ का धन्यवाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अमूल को लेकर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। वहीं ट्विटर और फेसबुक पर इस पोस्ट को हजारों यूजर्स शेयर कर चुके हैं। बता दें कि फैक्ट चेक में यह पाया गया है कि वायरल हो रहा यह दावा पूरी तरह से झूठ है। अमूल ने इस तरह से अपने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला है। इस दावे में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए हमने इंटरनेट पर इस खबर की हकीकत की पड़ताल की, लेकिन वह ऐसी कोई खबर वहां हमें नहीं मिली जिसमें यह बताया गया हो कि अमूल ने गोवंश खाने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। आपको बता दें कि अमूल देश का नामी डेयरी है। अगर अमूल की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया होता तो ये हेडलाइंस में जरूर होता और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही होती। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आरपीएस लोढ़ा ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि अमूल ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। सोढ़ी ने बताया कि अमूल एक सहकारी समिति है जिसका कोई मालिक नहीं है। अमूल के मालिक उससे जुड़े लाखों किसान हैं जो उसे दूध सप्लाई करते हैं। इससे ये दावा भी खारिज हो जाता है कि अमूल का मालिक कोई आनंद सेठ नहीं है।
वहीं सोढ़ी का कहना था कि अमूल जाति धर्म से जुड़ा कोई भेदभाव नहीं करती और दावे में जो भी बात कही गई है वो मनगढ़ंत है। इससे पहले भी अमूल को लेकर फर्जी दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। कुछ समय पहले दावा किया गया था कि अमूल के पिस्ता मलाई कुल्फी में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, लेकिन फैक्ट चेक में यह भी दावा झूठा निकला था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में जिसमें आदमी व्हीलचेयर पर बैठा नजर आ रहा है और इस तस्वीर में कुछ बच्चे और औरत उस इंसान को घेर कर खड़े हैं। तस्वीर को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये भारत की है और इसमें दिख रहे बच्चे व्हीलचेयर पर बैठे उसी आदमी के हैं। बता दें कि देश में इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून चर्चा में है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट भी पेश कर दिया है। एक ट्विटर पोस्ट में इस तस्वीर के साथ लिखा गया है कि पीएम मोदी को दो बच्चों के बाद नसबंदी अनिवार्य कर देनी चाहिए जिससे आबादी नहीं बढ़े और सरकार पर मुफ्त की सुविधाएं बांटने का बोझ भी कम हो। तस्वीर को अलग अलग कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। फैक्ट चेक में यह पाया गया कि यह तस्वीर इंडिया की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की है। जी हाँ, असल में यह तस्वीर एक रोहिंग्या मुस्लिम परिवार की है जो कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में स्थित एक शरणार्थी कैंप में खींची गई थी। तस्वीर को बिंग सर्च इंजन पर खोजने पर हमें अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ढोडो की एक खबर मिली जिसमें यह तस्वीर मौजूद है। बता दें कि यह खबर सैन्य कार्रवाई के चलते म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में शरण लिए रोहिंग्या मुस्लिमों पर थी। खबर के अनुसार तस्वीर में व्हीलचेयर पर दिख रहे आदमी का नाम मोहम्मद आलमगीर है जो पोलियो होने की वजह से अपाहिज है। बता दें कि म्यांमार में हुई हिंसा के कारण मोहम्मद को अपने परिवार के साथ भागना पड़ा और कॉक्स बाजार के एक शरणार्थी कैंप में शरण लेनी पड़ी थी। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फोटोग्राफी मैगजीन नाम की एक वेबसाइट में भी इसी तस्वीर को इस्तेमाल किया गया है और कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविर का नाम बताया गया है। इस शिविर को दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर कहा जाता है और इसमें ज्यादातर शरणार्थी रोहिंग्या के ही हैं। बता दें कि यह तस्वीर प्रोबल राशिद नाम के एक बांग्लादेशी फोटोग्राफर ने 2017 में खींची थी। अब यहाँ इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि जिस तस्वीर को भारत और जनसंख्या कानून से जोड़ते हुए शेयर किया जा रहा है वो तस्वीर बांग्लादेश की है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेंगे। फैक्ट चेक में अगली खबर हरियाणा से है जहां पेट्रोल पंप पर एक फेक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के साथ यही दावा किया जा रहा है कि वीडियो में एक मोटरसाइकिल सवार युवक पेट्रोल पंप में आग लगाकर भाग जाता है और बाद में पेट्रोल पंप वाले किसी तरह आग को काबू पाते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, हरियाणा में पेट्रोल पंप फूंक कर फरार, तेल की बढ़ती कीमत से था परेशान। वहीं फैक्ट चेक में पाया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो हरियाणा का नहीं बल्कि ईरान के कमरान प्रांत के रफसगंज नाम के शहर का है। हरियाणा में हाल फिलहाल में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। बता दें कि फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को हरियाणा का बताते हुए शेयर कर रहे हैं। कई न्यूज वेबसाइट्स ने भी इस वीडियो को हरियाणा का बताते हुए पोस्ट किया है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आइए जानते हैं। वायरल तस्वीर और वीडियो में युवक पेट्रोल को की जिस मशीन में आग लगाता है वो बाईं तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके कंफर्मेशन को रिवर्स सर्च करने पर हमें कुछ जगह इसी वीडियो का एक ऐसा ही रूप मिला जिसमें जलने वाली पेट्रोल पंप की मशीन दाईं तरफ दिखाई दे रही है। यानी इस बात की काफी संभावना है कि इस वीडियो को जानबूझकर फ्लिप किया गया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। वायरल वीडियो को फ्लिप करके इससे कंफर्म को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये पाया गया कि इसे ईरान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया था। गूगल इमेज सर्च के साथ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करने से हमें ईरान के यंग जर्नलिस्ट क्लब की एक रिपोर्ट में वायरल वीडियो से ली गई एक तस्वीर मिली। 16 जून 2021 की इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को ईरान के करनाम के रफसगंज शहर में एक मोटरसाइकिल सवार और फ्यूल स्टेशन संचालकों के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके वजह से मोटरसाइकिल सवार ने गुस्से में वहां आग लगा दी और फरार हो गया। वायरल वीडियो में पेट्रोल पंप की मशीन पर एक लोगो नजर आ रहा है। इसी लोगों की पहचान करने के लिए गूगल मैप पर ईरान के रफसगंज शहर में स्थित पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन भी खोजे गए
और इनमें से एक फ्यूल स्टेशन ऐसा मिला जिसके बोर्ड का लोगो वायरल वीडियो वाले लोगो से एकदम मेल खा रहा है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वायरल वीडियो रफसगंज शहर का ही है। इससे पहले बूम लाइव वेबसाइट भी इस दावे की सच्चाई बता चुकी है। जाहिर है कि ईरान के एक पेट्रोल पंप में हुई आगजनी की घटना की ये वीडियो भारत का बताया जा रहा है। फैक्ट चेक में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश में वायरल तस्वीरों और वीडियोस के असल सच्चाई के साथ। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।